अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में गेम कंट्रोलर्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेन इनपुट वगैरह पढ़ लिया था, आज गेम कंट्रोलर्स पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई गेम वगैरह का ही काम हो रहा है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसी डिवाइसेस जो वीडियो गेम के साथ इंटरेक्ट करती हैं उसको हम गेम कंट्रोलर कहते हैं। यानी वीडियो गेम जिस डिवाइस के जरिए हम खेलते हैं उन डिवाइसेस को हम गेम कंट्रोलर कहते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि जो ऑब्जेक्ट गेम में है उसकी मूवमेंट को, एक्शन को डायरेक्टली हम इस डिवाइस के जरिए उसको मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए ये एज ए इनपुट डिवाइस इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि इसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इनपुट है। इसके ज़रिए हम एक ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देकर कंट्रोल कर रहे हैं वीडियो गेम में, दैट्स मीन के ये एज अ इनपुट डिवाइस इस्तेमाल हो रही है। अब गेम कंट्रोलर इंक्लूड गेम पैड, जॉयस्टिक एंड स्ट्रिंग व्हील्स। दिस डिवाइस हैव बटन एंड मैनुएचर पॉइंटिंग डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। अब जैसे कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को तो हमने क्लियर कर दिया कि ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन हम दे कैसे रहे हैं? तो ये मुख्तलिफ बटन वगैरह होते हैं और पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और जो गेम में एक ऑब्जेक्ट है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ये एज ए इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है, ये गेम कंट्रोलर्स वगैरह। तो इनमें से उसने बता भी दिया कि गेम कंट्रोलर्स कौन कौन सी है, जैसे कि गेम पैड, जॉयस्टिक वगैरह। अब हम बात करेंगे जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक मुश्तमिल होती है एक बेस और स्टिक, यानी दो चीज़ें हैं जॉयस्टिक में, एक होती है बेस और एक होती है उसकी स्टिक। अब हम बात करेंगे स्टिक की। तो जो स्टिक है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर स्क्रीन में जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए हम इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अ जॉयस्टिक कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन टू माउस और ट्रैक बॉल। बिल्कुल जैसे माउस और ट्रैक बॉल हमने पीछे पढ़ा है उसी की तरह ये परफॉर्म करती है फंक्शन, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूव करवाने के लिए हम इसे मूव करते हैं। जिस तरह हम इसे मूव करेंगे वैसे ही ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर मूव करेगा, बिल्कुल इसी तरह। तो माउस का काम है, जैसे ही आपको ये नज़र आ रहा है हैंड बना हुआ, तो इसको मैं माउस के जरिए मूव करवा रही हूँ। जिस तरह मैं माउस मूव कर रही हूँ वैसे ये मूव कर रहा है, तो इसी तरह वो भी ऑब्जेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर वैसे ही मूव करेगा जैसे ये इसका ऊपर वाला हिस्सा यानी स्टिक मूव करेगी। इट इज़ ऑफन कंसिडर लेस कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट, या लेस कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट से कुछ साइज में भी बड़ा है, वैसे भी इसे ज़्यादातर लेस कंफर्टेबल समझा जाता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जॉयस्टिक इज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ज़्यादातर जो जॉयस्टिक का इस्तेमाल है वो गेम खेलने के लिए, सम लार्जेस्ट जॉयस्टिक जो उसने बता दिया, एक ये वाली जॉयस्टिक है जो कि लार्जेस्ट आर वायरलेस, क्योंकि ये वायरलेस है, ये इसका नया एडिशन समझ ले, जो भी समझ ले, ये आपके एमसीक्यूज के लिए आपने इसे लाजमी याद करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एंड पे वो लिख सकते हैं 2.643 या यहाँ पर फ्रीडम की जगह कुछ और लिख देगा। इस तरह के आपने एमसीक्यूज लाजमी हाईलाइट करने अपने। उसके बाद बात आ जाती है गेम पैड की। हमने पढ़ लिया जॉयस्टिक और गेम कंट्रोलर में एक आगे जॉयस्टिक। अगर आपको गेम कंट्रोलर पर नोट आता है तो आपने ये आगे भी लिखना है, सिर्फ नाम नहीं लिखना है, आगे भी लिखना है। लेकिन अगर एज ए इनपुट डिवाइस के तौर पर नोट आता है तो गेम कंट्रोलर आगे उसके नाम लिख दीजिएगा बस, क्योंकि फिर आपने बहुत ज़्यादा लिखना होता है। गेम पैड कंट्रोल द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ प्लेयर और ऑब्जेक्ट इन गेम। ये जितनी भी हम गेमिंग डिवाइसेस देख रहे हैं एज ए इनपुट डिवाइस, हम देख रहे हैं कि जो गेम में ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन एज ए इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें स्टेक और बेस पर मुश्तमिल है। इसी तरह अब हम गेम पैड को देखते हैं ये क्या करता है। इट इज़ मल्टी फंक्शन इनपुट डिवाइस। मल्टी फंक्शन का ये मतलब होता है एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। दैट इंक्लूड प्रोग्रामेबल बटन। प्रोग्रामेबल बटन का ये मतलब होता है कि हर बटन का आप प्रोग्राम खुद सेट कर देंगे कि भाई अगर मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो इस वक्त ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप सेट कर देते हैं भाई मैं कंट्रोल एम जब करता हूँ तो वो फायर होना चाहिए, इसी तरह अगर मैं करता हूँ तो मेरा जो मेरे पास गन है वो चेंज हो जानी चाहिए। इसी तरह आप मुख्तलिफ सेट कर देते हैं बटन्स को प्रोग्रामेबल, अपनी मर्जी जो आपके लिए आसानी होती है वो आप उस तरह की कीज़ का इस्तेमाल कर लें। आगे थम स्टिक एंड अ डायरेक्शनल पैड, द यूजर कैन प्रोग्राम द बटन टू क्रॉस्पॉन्ड टू सर्टेन एक्शन सच एज चेंजिंग अ वेपन, ओपनिंग अ डोर। जैसे आप गेम में आपने डोर ओपन करना है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी की रख सकते हैं, अगर मैं ये प्रेस करूँ तो डोर ओपन हो जाए, इसी तरह मेरी जो गन वगैरह है जो वेपन है वो चेंज हो जाए। द डायरेक्शनल पैड एंड थम स्टिक कंट्रोल द मूवमेंट, ये भी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब गेम पैड के बाद आगे हम चलते हैं गेमिंग वाइल की तरफ। ये जैसा कि नाम से कुछ जाहिर है इसमें कुछ और होने वाला है। गेमिंग वाली इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है, जैसा कि हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। दैट यूज अ स्ट्रिंग वाइल एंड अ सेपरेट सेट ऑफ फुट पैडल टू इमिटेट रियल वर्ल्ड ड्राइविंग। इसका मतलब है
कि ये पैडल पर मुश्तमिल है, सेट ऑफ फुट पैडल यानी पैडल्स हैं, हम पैडल का इस्तेमाल करेंगे अपने पाँव के ज़रिए, और इसी तरह एक वॉयल है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को वो लेकर जाते हैं एक मॉल में, वहाँ पर इस तरह की गेम होती है कि ताकि एक असल ड्राइविंग का आपको तसव्वुर आ सके, आपको लगे कि आप असल में ड्राइव कर रहे हैं, आपको ज़्यादा मज़ा आ सके। इसलिए वो इस तरह से जैसे आप वो अपने पैडल वगैरह को मूव करेंगे या अपने जो वॉयल वगैरह को मूव करेंगे, उसी तरह वो मूवमेंट होगी गेम में। मोस्ट गेमिंग वॉयल इन इनकॉर्पोरेट प्रोग्रामेबल बटन एज वेल। इधर भी प्रोग्रामेबल बटन का वही मतलब है कि ज़्यादातर प्रोग्रामेबल बटन की सहूलत मुहैया करते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बटन का इस्तेमाल करें मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये तीन थी आगे आइडियो इनपुट डिवाइस, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब वीडियो आए तो आप पर वक्त उसे देख सकें। तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप बताएं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं जिस जगह पर आप को कन्फ्यूजन है।